फाइनली 11 मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश में CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया है। उसके बाद से देश का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है ये कानून इंडिया में मुसलमानों की सिटीजनशिप छीन लेगा, जिसकी वजह से नो CAA ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को लग रहा है कि CAA के थ्रू बहुत सारे लोगों को इंडिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। बट इससे भी बड़ा सवाल, हकीकत में CAA है क्या और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों इम्प्लीमेंट किया है? तो चलिए जानते हैं आपके सारे सवालों के जवाब को आज के इस वीडियो में। दरअसल CAA को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में दिसंबर के मंथ में पास किया गया था, बट ड्यू टू कोविड एंड इंस्टेबिलिटी इस बात को उस टाइम पर रोक दिया गया था। बट अभी 11 मार्च को ऑफिशियली इसे लागू कर दिया गया है। CAA बेसिकली ऐसे हिंदू, सिख, जैन, पारसी एंड ईसाई कम्युनिटी के लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप देने की बात करता है, जिसे हमारे 3 नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक होने की वजह से परेशान किया गया था। और इस टॉर्चर से बचने के लिए ये लोग रिफ्यूजी बनके इंडिया में आ गए थे। CAA के अकॉर्डिंग 31 दिसंबर 2014 से पहले इस कम्युनिटी के जितने भी लोग भारत में आए हैं उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। अब लोगों का सवाल है कि इन्हें भारत की नागरिकता क्यों दी जाएगी? तो इस पे गवर्नमेंट का जवाब है कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आजादी से पहले इंडिया का ही पार्ट था एंड अफगानिस्तान इंडिया का बॉर्डर भी एक टाइम पर खुला था और इन कंट्री के अंदर ये कम्युनिटी के लोग अल्पसंख्यक थे और इन्हें यहाँ पर प्रताड़ित किया गया था, जिसकी वजह से मजबूरन ये लोग इंडिया में वापस आ गए। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये सभी इंडिया के ही लोग हैं, जिसकी वजह से इन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिल रही है। बट अगर कोई भी नागरिक 31 दिसंबर 2014 के बाद इंडिया में रिफ्यूजी बनकर आया है तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ऐसे में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का सवाल है कि इसमें मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दी गई है? क्या वो पहले इंडिया में नहीं रहते थे? अब इसमें राइट विंग का कहना है कि इन तीनों कंट्री में मुस्लिम मेजोरिटी में है, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ पर प्रताड़ित नहीं किया जाता और बाकी हिंदू, सिख, जैन, पारसी एंड ईसाई कम्युनिटी के लोग यहाँ पर अल्पसंख्यक है, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ पर परेशान किया गया था। अब ये बात कितनी हद तक सही है और गलत है, इसके बारे में तो आप ही कमेंट करके बताइए। तो एक्चुअली CAA का मतलब ये है। अब बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसे NRC से जोड़कर देख रहे हैं, बट हकीकत में CAA एंड NRC टोटली डिफरेंट है। हाँ, इंडिया के मुसलमानों का ऐसा मानना है कि CAA के बाद अब गवर्नमेंट NRC लागू कर देगी, तो खैर इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। और ईस्ट के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर गवर्नमेंट इन्हें सिटीजनशिप दे देगी तो इनकी वजह से इनका कल्चर एंड स्पिरिचुअल चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूजी ईस्ट साइड से ही इंडिया में आते हैं एंड ईस्ट के स्टेट की कम्युनिटी ऑलरेडी इंडिया में अल्पसंख्यक है, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया के स्टेट के लोग भी CAA का विरोध कर रहे हैं। सो दिस इज फॉर टूडे फ्रॉम माई साइड एंड वॉट यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।